दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीरों पर टाला नहीं जाता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस वीडियो में मैं आपको विराट कोहली की जिंदगी से जुड़े हुए 27 इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अब तक नहीं पता होंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर वन, विराट कोहली को अपना डेब्यू करने का मौका मिला अगस्त 2008 में, जब उन्हें सरप्राइजिंगली श्रीलंका टूर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। ये सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि तब तक कोहली ने सिर्फ 8 लिस्ट ए मैचेस खेले थे। श्रीलंका के इस टूर पर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर इंजर्ड हुए, इसी कारण कोहली को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला। उस सीरीज के चौथे मैच में विराट कोहली ने 54 रन बनाकर अपने करियर की पहली हाफ सेंचुरी बनाई। नंबर टू, विराट ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं करी, उन्होंने सिर्फ 11वीं क्लास तक ही पढ़ाई करी है। वे अपनी 12th इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वे उस वक्त इंडिया की अंडर 19 टीम का हिस्सा बने हुए थे। 2008 में ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया ही थी, और उस वक्त टीम की कप्तानी विराट कोहली के कंधों पर थी। नंबर थ्री, विराट ने एक इंटरव्यू में रिवील करा कि वो पहले बहुत सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी हुआ करते थे। वो जब भी बैटिंग करने आते थे तो एक ब्लैक बैंड पहनकर आते थे, और इसके साथ ही कभी अपने ग्लव्स भी चेंज नहीं करते थे। उन्होंने 2015 से अपने सुपरस्टिशंस को मानना बंद कर दिया। नंबर फोर, 2009 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों ने ही श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे एक मैच में सेंचुरी बनाई थी। मैन ऑफ द मैच के अवार्ड की बारी आई तो अवार्ड गौतम गंभीर को दिया गया। यहीं पर गंभीर ने वो अवार्ड विराट कोहली को दिया क्योंकि वो विराट कोहली के करियर की पहली सेंचुरी थी, और ये अवार्ड उनके लिए एक यादगार अवार्ड साबित होने वाला था। गंभीर ने अपने जेस्चर से सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप को दर्शाया। हाँ, लेकिन आने वाले कुछ सालों में दोनों खिलाड़ियों के बीच डिफरेंसेस कुछ बढ़ते हुए नजर आए। नंबर फाइव, विराट कोहली के करियर का पहला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट रहा 2011 का वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में इंडिया के विक्टोरियस कैंपेन के हर मैच में विराट कोहली प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे थे। भारत का इस टूर्नामेंट में पहला मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, और इसी मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी। ऐसा कर वो पहले ऐसे इंडियन क्रिकेटर बने जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पर ही सेंचुरी लगाई हो। नंबर सिक्स, शानदार क्रिकेट करियर के साथ साथ उन्हें जो सबसे बड़ा पर्क मिल रहा है वो है उनका पैसा और फेम। उन्हें देश की जनता से इतना प्यार मिला कि वो फिल्म सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा फेमस होने लगे। विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 2017 में $120 मिलियन से भी ज्यादा रही, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं कि उस साल में विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू फुटबॉल स्टार लायनल मेसी से भी ज्यादा थी। इससे आप विराट कोहली के इन्फ्लुएंस का अंदाजा लगा ही सकते हैं। बढ़ती ब्रांड वैल्यू के साथ ही विराट को अपने इन्फ्लुएंस का भी एहसास हुआ, और इसी वजह से उन्होंने फैसला करा कि वो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है, जैसे पेप्सी या फिर कोई फेयरनेस प्रोडक्ट। नंबर सेवन, 2012 में जब विराट ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने केविन पीटरसन से सलाह ली कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरह से खेलना चाहिए। केविन पीटरसन को ऑस्ट्रेलियन मिट्टी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसीलिए उनकी सलाह काफी मायने रखती थी। विराट कोहली ने इसी सीरीज में अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी लगाई, और ये 116 रन की पारी उन्हें हमेशा याद रहेगी। आपको बता दूं कि इस टूर के दौरान जब इंडिया के स्टार प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर, द्रविड़ और लक्ष्मण रन्स नहीं बना पा रहे थे, तब कोहली ही लौटे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने शतक बनाया था। नंबर एट, कोहली का वनडे क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर है 183 रन्स का, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में बनाया था। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी खिलाड़ी का हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट हाईएस्ट स्कोर था 156 रन्स का, जो कि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ब्रायन लारा ने बनाया था। नंबर नाइन, हमारे देश में सबसे सर्वाधिक जिन अवार्ड्स को माना जाता है उनमें से एक है अर्जुन अवार्ड, और किसी भी व्यक्ति के लिए ये अवार्ड हासिल करना बहुत गौरव की बात होती है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस अवार्ड को विराट जितनी कम उम्र में हासिल कर पाते हैं। विराट कोहली उन चुनिंदा इंडियंस में से एक हैं जिन्हें सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करा गया था। 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा था। कम उम्र में मिले अवार्ड्स की बात चली रही है तो आपको ये भी बता दूं कि 2012 में जब वे सिर्फ 23 साल के थे तब उन्हें ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। नंबर 10, विराट बचपन से ही अपने पिता प्रेम कोहली के बहुत करीब रहे हैं। उनके अंदर क्रिकेट का जुनून उनके पिता ने ही भरा था। वह हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करे और अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश का सर गौरव से ऊंचा करे।
नंबर 11। जब कोहली अपना पहला रणजी मैच खेल रहे थे तब दुर्भाग्यवश उनके पिता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। हॉस्पिटल से विराट के पास इस न्यूज को लेकर एक फोन आया, जिसके बाद उनके अंदर भावनाओं का तूफान शुरू हो गया। वे मैच को बीच में ही छोड़कर दिल्ली जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता किस तरह उन्हें एक बड़ा क्रिकेटर बनते हुए देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये मैच खेला और 90 रन बनाकर अपने पिता को ट्रिब्यूट दिया। ये मैच विराट कोहली के लिए उनके सबसे यादगार मैच में से एक है और उनके दिल के भी काफ़ी करीब है। नंबर 12। ये हम सब जानते हैं कि विराट अपनी फिटनेस को लेकर कितने कॉन्शियस हैं, पर आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो अपनी डाइट पर कितना ध्यान देते हैं। उन्हें पता है कि जितना एक खिलाड़ी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी उस खिलाड़ी के लिए उसकी डाइट भी है। उनकी डाइट हाईली मॉनिटर करी जाती है, जिस वजह से जो पानी वो पीते हैं वो भी कोई नॉर्मल मिनरल वाटर नहीं होता। वह केवल फ्रांस से इम्पोर्टेड इविया नेचुरल स्प्रिंग वाटर ही पीते हैं, जिसकी कीमत की बात करी जाए तो करीब 400 रुपये प्रति लीटर है, जो कि नॉर्मल मिनरल वाटर से काफ़ी ज़्यादा महंगा है। नंबर 13। उनके विचित्र बॉलिंग रिकॉर्ड की बात करें तो वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 मैच में बिना बॉल डाले भी विकेट हासिल करी है, जो कि टेक्निकली एक वाइड बॉल थी और धोनी ने बैट्समैन को स्टंप आउट कर दिया था। नंबर 14। विराट कोहली के करियर के ऊपर चढ़ने के साथ ही उन्हें एक स्टाइल आइकॉन के तौर पर भी देखा जाने लगा। साल दर साल सोशल मीडिया पर विराट कोहली के फैशन सेंस की चर्चा होती रही है। 2012 में टॉप 10 बेस्ट ड्रेस्ड इंटरनेशनल मैन की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल करा गया था, और आपको बता दूं कि इस लिस्ट में US फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा का भी नाम शामिल था। नंबर 15। वेस्ट इंडीज के ग्रेट प्लेयर सर विवियन रिचर्ड्स, जिन्हें क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन माना जाता है, उन्होंने कहा था कि विराट कोहली उन्हें खुद की याद दिलाते हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ी बात है। नंबर 16। 2012 में जब सचिन तेंदुलकर ने अपने 100 शतक पूरे करे थे, तब अंबानी फैमिली ने उनके लिए एक पार्टी थ्रो करी थी, जिसमें कि इंडियन टीम के साथ कई सेलिब्रिटीज भी इन्वाइटेड थे। उस इवेंट में सचिन तेंदुलकर से जब पूछा गया कि उनके इन रिकॉर्ड्स को आने वाले समय में कौन से खिलाड़ी तोड़ सकते हैं, तब उन्होंने जवाब दिया कि मेरे रिकॉर्ड्स को जो भी खिलाड़ी तोड़ सकेंगे वो अभी इसी जगह पर मौजूद हैं। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरफ इशारा करा और कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों में काफ़ी पोटेंशियल है। सचिन सर की कही गई बात काफ़ी हद तक सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड्स के काफ़ी पास पहुंच चुके हैं। वह 1000, 3000, 4000 और 5000 ODI रन बनाने वाले सबसे फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर हैं। अभी हाल ही में विराट कोहली ने ODI में 11000 रन पूरे कर लिए हैं और वो बहुत ही तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं। वैसे कई लोग विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करते हैं। उन्हें मैं बता दूं कि यूं तो दोनों ही खिलाड़ी क्रिकेट के ग्रेट्स हैं, पर सचिन तेंदुलकर को भगवान किसी कारण से ही कहा जाता है। वह उस दौर के बल्लेबाज हैं जब शोएब अख्तर, शेन वॉन, वकार योनिस, विटोरी, मुरलीधरन, ब्रेटली और मैग्रा जैसे बॉलर गेंदबाजी करते थे। नंबर 17। कोहली का निकनेम चीकू है। दिल्ली के फॉर्मर कोच अजीत चौधरी ने उनके हेयर कट को देखकर उन्हें नाम दिया था और तब से सब उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे। नंबर 18। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी के बाद विराट कोहली ODI क्रिकेट में लगातार 3 कैलेंडर ईयर्स में 1000 या उससे ज़्यादा रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। नंबर 19। विराट कोहली के नाम पर इंडिया के लिए सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने महज 52 गेंदों में 100 रन की तूफानी पारी खेलकर इंडिया को 360 रन बनाने में मदद करी थी। कोहली के लिए उनका पर्सनल स्कोर या कोई पर्सनल रिकॉर्ड ज़्यादा मैटर नहीं करता। वो हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से टीम के ग्रेटर गुड की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही है, और शायद इसी विजनरी लीडरशिप की वजह से वह इतने सफल कैप्टन भी साबित हो रहे हैं। नंबर 20। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। ये दोनों एक एड शूट के लिए मिले थे, लेकिन इनका रिलेशन एक साल से ज़्यादा नहीं चल सका और कुछ रीजंस की वजह से दोनों ने अपने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। नंबर 21। विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है। इसके पीछे ये रीज़न है कि उनके लिए नंबर बहुत रिमेम्बरेबल है। 18 दिसंबर 2006 को उनके पिता की मृत्यु हुई थी और तब वे सिर्फ 18 वर्ष के थे। ये इंसिडेंट उनके लिए बहुत मूविंग साबित हुआ था, इसीलिए वो ये नंबर चेंज नहीं करना चाहते। नंबर 22। क्रिकेट के अलावा वे दूसरे स्पोर्ट्स की अहमियत को भी अच्छे से समझते हैं और वे दूसरे स्पोर्ट्स से कई तरीकों से जुड़े हुए भी रहते हैं। वह ISL में FC गोवा, टेनिस में UAE रॉयल्स और रेसलिंग में बेंगलुरु योद्धाज के कोनर हैं।
नंबर 23, विराट के कोच राजकुमार शर्मा का कहना है कि विराट हमेशा से ही क्रिकेट के लिए काफी पैशनेट थे, उन्हें बस क्रिकेट फील्ड पर रहने का रीजन चाहिए होता था और वह पूरा दिन अकेडमी में ही बैठे रहते थे। विराट को खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वह फ्री टाइम में भी बैट्समैन को बॉलिंग कराते रहते थे। नंबर 24, विराट की कैप्टनसी में जब इंडिया की अंडर 19 टीम ने कुआलालंपुर में वर्ल्ड कप जीता, तब जीत के बाद विराट ने कुआलालंपुर से ही अपने हाथ पर टैटू बनवा लिया, जिसके बाद उनके कोच उनसे बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे तुम्हारा इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होगा, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पर टैटू बनवाने के बाद विराट की बैटिंग फॉर्म भी और अच्छी हो गई, जिसके बाद उनके कोच ने उनसे मुस्कुराकर कहा कि शायद ये टैटू तुम्हारे लिए लकी साबित हुआ है। नंबर 25, विराट कोहली की बात हो और फील्ड पे उनकी एग्रेशन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? विराट जब अपने पहले ऑस्ट्रेलियन टूर पर बाउंड्री पर खड़े थे तो क्राउड में खड़े ऑस्ट्रेलियन फैंस उन्हें बुरा भला कहने लगे, तो इसी गुस्से में आकर विराट ने फैंस को मिडल फिंगर दिखा दी। इस इंसिडेंट की वजह से विराट को अपनी 50% मैच फीस एज अ फाइन भरनी पड़ी। इसके अलावा भी कई बार हम फील्ड पर विराट कोहली के गुस्से को विटनेस कर चुके हैं। नंबर 26, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी पहली बार एक एड शूट के दौरान ही मिले थे, इसके बाद ही उनकी दोस्ती आगे बढ़ी और बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। नंबर 27, 2015 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी तो उस मैच में कोहली जल्दी आउट हो गए थे और सारा क्रिटिसिज्म इस चीज का अनुष्का शर्मा पर गया, क्योंकि कुछ न्यूज चैनल्स के अकॉर्डिंग अनुष्का शर्मा विराट कोहली का बैड लक हुआ करती थी और इस बात को इतना सेंसेशनलाइज कर दिया गया कि लोग विराट अनुष्का के ट्रोल्स बनाने लगे। ऐसा ही कुछ 2016 में भी हुआ, जब विराट अनुष्का के ब्रेकअप की न्यूज के बाद उन्होंने वर्ल्ड T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात को और ज्यादा सेंसेशनलाइज करा कि अनुष्का विराट के लिए बैड लक थी और वही उनकी पुअर परफॉर्मेंस का कारण बन रही थी, जिसके बाद विराट ने ट्वीट करके कहा कि शेम ऑन पीपल फॉर ट्रोलिंग अनुष्का शर्मा नॉनस्टॉप, हैव सम कंपैशन, शी हैज ऑलवेज गिवन मी पॉजिटिविटी। इसके बाद उनके इस जेस्चर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई। तो दोस्तों, ये थे विराट कोहली से जुड़े हुए 27 इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।